हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं क्या एमबीए करना जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी पर आज का वीडियो होने वाला है। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में मुझे ये सवाल पूछा कि इस क्वालिफिकेशन को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो शायद एमबीए को लेके थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको उस चीज़ को लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एमबीए करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप एमबीए कर लेते हो तो ये आपके रिज्यूमे में भी प्लस पॉइंट बनता है और आपके हायर पोस्ट यानी कि अगर कोई बड़ी कंपनी में आप कदम रखते हो तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपको मिलता है और आपको अलग तरह का, आप समझ सकते हो कि प्रेफरेंस मिलता है। वो प्रेफरेंस क्यों मिलता है कि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप काफ़ी ज़्यादा, आपके पास एक डिग्री है और इस पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। आप जब भी आप कॉलम देखेंगे तो आपको जो फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो समझ सके कि आप किस लेवल के बंदे हो। अगर मैं टिक लगाता हूँ मैं एमबीए किया हुआ हूँ और आईटी में किया हुआ है, आईटी एंड मार्केटिंग किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग में मेरा एमबीए है और मैं प्लस मेरा जो आईएम्स का जो डिग्री है कलकत्ता का 1 ईयर का है, जो कोर्स होता है कॉरेस्पोंडेंसी होता है ये, और वो भी है मेरा, तो कितना ज़्यादा वेटेज मिलता है आप समझ सकते हो इस चीज़ को लेके। तो इस तरह का जो कोर्स होता है वो कर लेना अक्सर अच्छी बात होती है, अच्छा होता है, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, लोग समझते हैं कि हाँ कि बंदा नॉलेजेबल है। अगर इसको, ये क्यों होता है पहले बात समझिए कि अगर समझ लीजिए कोई टास्क आता है मेरे पास और उस टास्क को समझाने वाला एक्स वाई जेड कोई बंदा है जो मुझे समझा रहा है उस टास्क को, तो मेरी समझने की जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रेजुएट। आप बात समझो, एक ग्रेजुएट बंदा बैठा हुआ है, एक एमबीए डिग्री वाला बंदा बैठा हुआ है, जो सामने जो डिस्क्राइब कर रहा है बंदा, वो जो एमबीए वाला बंदा होगा वो ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। फिर आप बोलोगे कि नहीं, ग्रेजुएट वाला बंदा भी समझ सकता है, बिल्कुल समझ सकता है, बट जो सोचने की जो पावर जो एमबीए वाले के पास होगी वो ग्रेजुएट के पास उतनी नहीं होगी। आप इस बात को, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब आप हायर पोस्ट पर जाओगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बस एक चीज़ मैं ये बात बोलूँगा कि 100 में से ऐसा होंगे 5-10 जो कि ग्रेजुएट लेवल पर रह के भी अच्छी कैपेबिलिटी रखते होंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि ग्रेजुएट वाले बंदे बिल्कुल भी इनकैपेबल होते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा, बट हाँ एमबीए ज़रूर कर लीजिए। आपके पास टाइम है तो एमबीए करने में क्या परेशानी है, आप 2 साल का कोर्स है, आप 2 साल का कॉरेस्पोंडेंस ही कर लो, बट डिग्री में अगर कहीं रिज्यूमे में ऐड होता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट बनता है, तो आप ज़रूर कर लीजिए। ग्रेजुएट हो के भी अगर आप, आपके अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है और हर चीज़ों को आपको समझने की शक्ति बहुत ही अच्छी है तो आप ग्रो कर जाओगे, ये भी मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ अगर नहीं है तो एमबीए ज़रूर कर लीजिए, अलग वेटेज मिलता है। अगर वेटेज नहीं मिल रहा होता तो फॉर्म में कभी भी पोस्ट ग्रेजुएट का जो टिक मार्क होता है या फिर आपने हायर क्वालिफिकेशन का जो टिक मार्क होता है जो भी आपसे पूछा जाता है तो वो नहीं होता, तो वो सिर्फ ग्रेजुएट तक ही होता। क्यों पूछते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं, समझो थोड़ा सा बात आप लोग, अगर है तो अच्छी बात है, हेल्प होता है आपको। तो मैं तो हमेशा बोलूँगा सर्टिफिकेशन वगैरह साथ में करते रहो आप लोग और एमबीए अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए। तो यही था आज का वीडियो, अगर आप मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।